उस ना आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एक नया, तो नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो हमारा सर्वर है वो रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ये स्टार्टेड हो चुका है 8080 पोर्ट पे। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो हर एक बार जब भी मैं इस आईडी को नया फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, मतलब जैसे रेड बटन के बारे में बताया, तो ऐसे मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा आपको। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, पता है तो इग्नोर कीजिए, नहीं पता है तो सीखिए। ठीक है, ओके, सो नाउ क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। फाइल पे जाएंगे एंड देन क्रिएट करेंगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट करना है एक प्रोजेक्ट। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट है। ठीक है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा है वो डायनेमिकली आता है। स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि जस्ट आपको कैसे उन पेजेस सर्व करना है, तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक वेब पेजेस, वेब प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट है, उसमें जो डेटा है वो डेटाबेस से आता है, हर बार डेटा का चेंज होता है हर एक यूज़र के लिए, तो वो वैसा प्रोजेक्ट हम कहते हैं डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे, तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। नाउ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट के बारे में आपको देनी होती है, तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक सिंपल सा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे ना, हमने उसको नाम दिया हैलो वर्ल्ड, या फिर हमने कहा फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो मैं इसको कह देता हूँ हैलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड। ना उसका लोकेशन आप देखिए, लोकेशन कहाँ पे है, तो इस सर्वलेट वर्क इस पे जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हेलो वर्ल्ड नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ना रन टाइम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट जो हमने सेलेक्ट किया है अपाची वर्जन 9.0। ठीक है, इसका जो मॉड्यूल वर्जन है ये 9.4 है ऑटोमेटिक, जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था कि। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं क्रोम ओपन करके आपको दिखाता हूँ टॉमकैट का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, मॉड्यूल वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है अपाची टॉमकैट की जो वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पर, तो ये रहा टॉमकैट, यहाँ पर इसका जो होम पेज है इस पर मैं जाना चाहता हूँ। तो इसके होम पेज में आएंगे, तो जैसे आपने वहाँ पर एक लिंक था विच वर्जन, तो विच वर्जन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अगर आप 9 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सर्वलेट का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, 4.0, तो वही आपको दिया गया है, सर्वलेट का 4.0 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद जो हमारा ये SRC पाथ है जहाँ पे हमने सारा कोड रहेगा ये है यहाँ पर। नाउ बिल्ड होने के बाद कहाँ पे हमारा जो फाइल्स है वो जाएंगी, तो बिल्ड के अंदर क्लासेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारी सारी क्लासेस जाएंगी। देखेंगे क्या है, अभी इसको इग्नोर कीजिए, समझ में नहीं आता है तो। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट रूट है हेलो वर्ल्ड, कॉन्टेंट जो डायरेक्टरी है वेब कॉन्टेंट, इसको देखेंगे क्या है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जनरेट वेब XML डिप्लॉयमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन क्लिक करेंगे फिनिश पे। सो नाउ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, स्टार्ट नहीं, क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पर आप देखोगे हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हुआ। इसको अगर आप एक्सप्लोर करो तो यहाँ पर क्या क्या है चीज़ें, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है हमने जो कि क्रिएट किया था, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, अभी इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। नाउ जावा रिसोर्सेज है यहाँ पर, SRC के अंदर हमारा सारा कोड होगा क्योंकि हम जावा पे काम करें, तो जावा का जो कोड होगा डॉट जावा फाइल्स वो कहाँ रहेंगी, तो वो रहेंगे इस SRC फोल्डर के अंदर। नाउ बिल्ड होने के बाद में जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसको बिल्ड करेंगे पब्लिश करने के लिए, तो वो उसका जो कोड आएगा पब्लिश होने के लिए, जो डॉट क्लास फाइल्स आएंगी वो आएंगी बिल्ड फोल्डर में। नाउ वेब कंटेंट की वेरी इंपॉर्टेंट है, मेटा INF, इसको बारे में भी छोड़ दीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी आपको जरूरत नहीं है इस फेज में, डेवलपमेंट फेज पे। ओके, नाउ वेब INF ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सिक्योर फोल्डर होता है, इसके अंदर हम अपनी जो सिक्योर फाइल है हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे कि वेब XML, तो वेब डॉट XML जिसको हमने क्रिएट किया, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं इसको, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल यही है हमारे एप्लीकेशन में, वेब डॉट XML। इसके बाद है लिब, लिब में सारी लाइब्रेरीज होंगी, जार फाइल्स होंगी। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट में मैं आप जैसे जैसे जहाँ जहाँ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कौन सी चीज़ किस लिए बनाई गई, कब काम आती है। ठीक है, नाउ एक चीज़, वेब डॉट XML को ओपन कीजिए, तो जब हम अपने एप्लीकेशन को ब्राउज़र पे ओपन करेंगे, हमारा वेब एप्लीकेशन है हम इसको ब्राउज़र पे चलाते हैं, तो ब्राउज़र में जब हम इसको ओपन करेंगे तो कौन सा पेज सबसे पहले आएगा वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो आप देखेंगे वेब डॉट XML में ओपन कीजिए। ये इसका व्यू है, GUI व्यू, डिज़ाइन व्यू, हम सोर्स पे क्लिक करके इसका सोर्स देख सकते हैं, ये एक XML फाइल है। तो इस XML फाइल में ये बताया गया है कि जब आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ब्राउज़र पे तो सबसे पहले कौन सा पेज आना चाहिए, तो वो यहाँ पे बताया है वेलकम फाइल, इसमें अगर पहले लिखा इंडेक्स डॉट HTML तो ये इंडेक्स डॉट HTML अगर आपने यहाँ बनाया है तो वो सबसे पहले आएगा, कैसे आएगा ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इस प्रोजेक्ट को, हेलो वर्ल्ड जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसको हम कैसे रन करेंगे अपने ब्राउज़र पर, कैसे इसको सर्व करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कैसे रन करना है। ठीक है।